अस्सलाम वालेकुम। मैं नबील अशद फरह हबीब का बड़ा भाई। मेरा भाई फरह हबीब, मेरा भाई अरसलान अरशद और मेरी भाभी का भाई सरमद सादत जो 27 सितंबर को ग्वादर से अगवा हो चुके हैं, जो बलूचिस्तान हुकूमत ने तस्लीम किया है, उसके बाद मैं अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से मोहतरमा अपील करता हूं, अगर मेरे भाई का कोई कसूर है तो उसको अदालतों में पेश करे। मेरा भाई एक सच्चा और वतन से मोहब्बत करने वाला है और जितनी सियासत अब तक हमने की है, हमने इबादत समझ के की है। हमने कहीं बाहर नहीं जाना, ना हमारी कोई जायदादें बाहर हैं, ना हमने जाना है। हम में एक पाकिस्तानी, हमारी रगों में एक पाकिस्तानी खून है। हम बहुत तफ्तीश में हैं और बहुत ज्यादा करब में गुजर रहे हैं। हमारी पूरी फैमिली एक बहुत बड़े इम्तिहान और करब से गुजर रही है। खुदाया खुदाया, मैं अपने अदारों को, अपने चीफ जस्टिस को एक दफा फिर दरख्वास्त करता हूं, अगर मेरे भाई का कोई कसूर है तो उसे पेश किया जाए, हम उसको फेस करेंगे।